गुरुओं ने भी अंतराल से बेटे, जैसे कि आप जानते हैं हम अपना इंटीग्रेशन को कर रहे थे, इंटीग्रेशन भी हमने बेटा अपनी लगभग एम टू एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम बेटे अपनी थर्ड एक्सरसाइज को कर चुके हैं जो कि आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। सारी ही लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग बेटा आपकी 10 से 11 एक्सरसाइजेज होंगी जिनमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे इंटीग्रेशन से। 7-8 नंबर का आपका चैप्टर आता है रैडार कोड, जैसे बेसिक इलेक्ट्रोड में से 9 क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का 5 नंबर का जो कि डी के लिए आते हैं, 1 के लिए आते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त आपका एक चैप्टर होने वाला है। तो थर्ड एक्सरसाइज में बेटे इसमें देखते हैं क्या करेंगे बेटे। इसमें आपको अलग अलग फॉर्मेशन आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, और यू कैन से दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन बड़ा। मैंने आपको जब अगर आपको याद हो जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज जब देख रहे थे मैंने आपको एक बात बताई थी, वहां पर आपका इंटीग्रेशन आया था जब आपकी साइन की पावर ओड थी, जब आपकी साइन की पावर ओड थी, तो मैंने वहां पे ना साइन 2x का आपको करवाया था फॉर्मूले से, बट यहाँ पे हम इसी तरह की फॉर्मेशन बनाए इंटीग्रेशन करेंगे बटे विद हेल्प ऑफ सम रूल, आपके रूल होते हैं अगर साइन की पावर ओड है तब लगेगा वो रूल, और अगर साइन की पावर इवन है तो हम इसको मल्टीपल एंगल में बदल देंगे। मल्टीपल एंगल में एग्जांपल में टाइप करेंगे साइन 2x cos 2x साइन 4x, ये चीज होगी मल्टीपल, ठीक है। पावर ओवर है तो हम आपको फॉलो करता हूं, देखते हैं, देखो बड़े ध्यान से देखेंगे आप चीज को, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। इफ द इंडेक्स ऑफ साइन x इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर, देन पुट cos x इज इक्वल टू t, बहुत ही जबरदस्त ये बेटा बात है आपको, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है साइन की पावर अगर कभी भी आपकी ओड आई ना तो आप cos को t ले, तो बड़े साइन की पावर अगर कभी भी आपकी ओड आती है तो आप cos को t रखेंगे, और फिर मेरे को रूल पता ही है कि मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेट कर लेता हूं। तो ये इसका मैं जो करना है कैसे करेंगे इसका बताओ, साइन की जल्दी देखो साइन की पावर पर cos को t रख दीजिए, आप कहेंगे सर इसमें कोस तो कर ही नहीं है कैसे, आप कोस को दिए बेटा देखो भाई करो देखते रहो ना, तो भाई क्या करेंगे यार देखो कोस को बेटा मैंने रख दिया कि इसका डेरिवेटिव आया कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एक्स का बेटा डी एक्स इज इक्वल टू डी, ये चीज आप सही बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को बेटा कैसे कर सकता हूँ, यहाँ कोई गलती कर रहा हूँ बताओ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मैंने इसको लिख लिया, ऐसे मैंने क्यों लिखा बिकॉज मैंने कोस को रखा है टी और उसके डेरिवेटिव में आया हुआ है साइन, अभी ध्यान से देखो जो ये मैंने जो आपको दिख रही है ना साइन एक्स इंटू डी एक्स वो आपकी डी टी के बराबर है, तो समय के समय बेटे क्या बात है यार, आप इस समय में इसको उधर लगा दें ध्यान से देखें, अब आप इस चीज में साइन एक्स डी एक्स आपका माइनस डी टी, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आपको करना है, cos x को जब आप t रखेंगे तो sin x डेरिवेटिव आएगा ना, तो उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन मैं इसको पैरेलल चलाता हूं, पैरेलल हम देखो सेम क्वेश्चन चला रहा हूं आपके लिए, मैंने लिया sin की पावर 5 x है ना, पॉजिटिव ओड है, पॉजिटिव ओड है, तो वही स्क्वायर से ब्रेक करने लगे आप sin 4x sin x, बिकॉज व्हेन वी पुट cos x इज इक्वल टू 3 देन वी गेट डेरिवेटिव ऑफ cos x x sin x, सो वी हैव टू बी sin x, हमारे पास sin थोड़ा सी तभी आपका चीज बनेगी। तो अभी हम क्या करें इसमें, तो देखते हैं क्या पोजीशन भाई, देखते हैं ध्यान से, तो ऐसा करने के बाद देखो मैं इसको कैसे ब्रेक कर लेंगे, साइन चार एक्स इंटू इतना कर लिया ना हमने, ये तो आपका बन गया जो डेरिवेटिव में आया, बट बेटे कोस तो नहीं बन पाया ना, ठीक आ रहा है कोस तो नहीं बन पाया, बनेगा ना वो, देखते रहो
याद करो 10th क्लास का फॉर्मूला sin square x क्या होता है 1 minus cos square x। तो आपकी जो स्टेटमेंट थी ना वो ये बनी। यार कुछ दिक्कत हो जाए यार, मतलब 10th क्लास के बच्चे क्या बात होगी। इसको मैंने ऐसे लिखा, फिर इसको मैंने ऐसे लिखा, बस अभी देख लो ध्यान से। cos x को आपने t रखा हुआ है तो क्या करें, यहां पे रखते हैं t 1 minus t का स्क्वायर into ये तो क्या बन गया बेटे बताओ ना मेरे को, ये क्या बन गया सारा का सारा, ये माइनस बी की बन गया माइनस बाहर लगा देंगे ये डीटी, बस होने लायक इंटीग्रेशन है यार। वन का तो टी हो गया एंड टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब ओवर थ्री प्लस टू एंड योर वैल्यू ऑफ टी इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स ओवर थ्री प्लस सी माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा आपका प्लस का ये हो जाएगा माइनस। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसे कर लेना आप लोग। आई होप बेटे आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में, बस ऐसे करना था। इसको मैं भी आज लिखना शुरू करते हैं। सेम क्वेश्चन है भैया से, साइन की पावर बढ़ है, याद करने आपको रूल्स इंटीग्रेशन करने के लिए। साइन की पावर बढ़ है तो हम उसको डी एस देंगे वैल्यू यार। अभी बेटा इसको और बदल लेते हैं ना, साइन की चार प्रॉपर्टी आपको पता है कोस बनाने के लिए इसके लिए मिलेगा वो यार, ऐसे नहीं पता इसको। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस बेटे रकम आपकी स्टेटमेंट जो थी यहाँ से यहाँ तक यार इसको नहीं करें यार, पाँच को मैं तीन प्लस दो लिख सकता हूँ ना, तो बस मैंने इसको ब्रेक कर लिया ताकि मेरा कम हो जाए क्लास क्लास में यार। ये स्टेप आप पा रही नहीं, आप कुछ कर लो कोस एक्स को टी दो माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ से साइन एक्स डी एक्स आपका आ गया माइनस के डी टी, ठीक है बेटे। बस तो ये हो गया वन माइनस के टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये चीज क्या बन गया आपकी माइनस डी टी, माइनस को बाहर लगा देंगे बेटे। अभी कैसे करेंगे इसका डायरेक्टली नो जमा करो, शेयर अंदर भी शेयर है कोई प्रमोशन नहीं है, तो इसको हम बोल लेंगे ब्रेक करेंगे इसको, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ये हो रहा है। अभी हम इसको खोल करेंगे भाई, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, चलो करते हैं। वन का टी हो गया बेटे, टी की पावर फोर का टी की पावर फाइव ओवर फाइव एंड इसका कितना हो गया टू टी क्यूब ओवर टू एंड प्लस सी, बस इसके बाद रिप्लेस कर देंगे आप टी को, टी को बेटे रिप्लेस कर देना कोस एक्स से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइन जब इस टाइप का क्वेश्चन साइन की पावर एन और एन आपका हो इधर आप कॉस को कर देंगे कि बस अभी कॉस वाले कर देते हैं। ये मैंने आपका इसके लिए था, अभी बात करो मैं कॉस को यहां पे कॉस हो जाएगा। इफ द इंडेक्स ऑफ कॉस एक्स इज ऑल पॉजिटिव इंटीजर देन पुट साइन एक्स लेते हैं, उल्टा है बिल्कुल उल्टा है। अभी क्वेश्चन करते हैं, देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कोस क्यूब एक्स का, वैसे तो आप साइन भी कर लेंगे सब भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो वही कैसे करें इसको, पहले ब्रेक कर लिया इस बार क्योंकि आपको पता है साइन को भी रखेंगे, साइन को देखिए कम से कम किस को भी रखो साइन का है नहीं, और साइन का डायरेक्टली कोस आएगा वो भी अलग से नहीं है क्यूब में है, हेलो इसको ब्रेक करो, ठीक है भाई। अभी कोस स्क्वायर को बेटा लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं, चलो अच्छी बात है। मतलब कोस एक्स उसको साइन एक्स को भी देखो यार, साइन एक्स में ना साइन एक्स को भी रखो कोस एक्स डी एक्स बिल्कुल डेरिवेटिव हो गया ना डेरिवेटिव, सही बात है। ये हो गया माइनस टी स्क्वायर, ये आपका बन गया साधे को डिक्री मिल गया ये, बस तो वन का टी और टी स्क्वायर का बेटा टी क्यूब ओवर क्यूब, टी को आप रिप्लेस कर देंगे साइन एक्स से, तो ये सिंपल है क्वेश्चन। अभी कर दे बेटा, अभी से ना बहुत सारी फॉर्मेशन आएंगी प्रैक्टिस कर लो, किसी एक्सरसाइज
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट में हमारी क्या होने वाली है, चेक करते हैं अपन। बड़ी जबरदस्त चीज आई है इसमें, एस टाइप की रोशनी। मैं चाहता हूँ आप डीपली को समझोगे और अच्छे से लोग पढ़ लो। इस टाइप की अगर आपकी प्रॉब्लम आती है देखते हैं आपको क्या जरूरत है, अभी देखता हूँ क्वेश्चन इस टाइप की। ये है बेटा हर वैरायटी मैंने आपको लिख दिया है, हर वैरायटी मैंने आपको लिख दिया है इस टाइप की, ठीक है बेटा। इसमें आ जाओ, इसमें साइन की पावर तो ओड है, कॉस की वन है, कॉस की ओड है, साइन की वन है, दोनों की ओड है, दोनों की वन बट बराबर है, दोनों की वन बट एक ही है, छह एक ही था इस तरह का, ठीक है। थोड़े समझेंगे चीजों को बाद देखते हैं, कहते नहीं दोनों ही ओड है तो आप किसी को भी नहीं रख देना, ठीक है।
जब अकाउंट है तो जीरो दे देना अपना घर आ जाएगा। मैं क्या आपको कराता हूँ कि दोनों ये होंगे, ये हमने करा था फर्स्ट एक्सपायर का है ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जब दोनों आपके इवन है तो आप बदलोगे मल्टीपल एंगल में, बेटे मल्टीपल एंगल मल्टीपल एंगल यार मैं कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ मैं नहीं करते हैं बेटा, आप दोनों की पावर सेम है ना, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ पावर ठीक है ना। बट आपको पता है ये फॉर्म आपको याद होगा, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स साइन टू एक्स साइन टू एक्स होता है तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या बन गया बेटे, साइन टू एक्स बाई टू बन गया, बना नहीं बना तो बना दो साइन टू एक्स बाई टू बहुत सही है। टू का फोर बेटे सिक्स बना रहे हैं सही है, ये बच गया बेटे फोर ही आगे बहुत सारा है इसको स्किप कर दूंगा मैं, वन बाई सिक्स को नाइन पॉइंट वन का क्वेश्चन इसके बाद इसको मैं कर सकता हूँ नाइन स्केयर इसका स्केयर आफ्टर दिस वी कैन मोर मॉडिफाइड साइन स्केयर ट्वेल्व इज वन माइनस को स्केयर ट्वेल्व देन वी कैन ओपन होल स्केयर दैट्स ऑल। तो बेटा ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पर तो आपका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत हो गया। एक फुल नॉर्मल भी होता है, याद रखो याद रखो, और सब नॉर्मल भी होता है। मन माइनस को फोर एक्स फाइव टू ये रहा साइंस को ये लगा दे, मन माइनस को फोर एक्स फाइव टू बस यहाँ से बेटा इसका स्केयर हम बोलते हैं टू का स्केयर फोर बाहर आ गया, फोर बाहर आया डिवाइड में अंदर क्या बचा मन माइनस को फोर एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप करेंगे एक्सपेंड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी वन बाई सिक्सटी फोर बेटे इनका तो हो जाएगा, तो इसका इतना तो एक्स होगा ना इंटीग्रेशन इसका भी हो जाएगा बेटे, तो कोस का मान कितना होता है प्लस साइन होता है साइन फोर एक्स वाई बाई फोर। बेटे इस क्वेश्चन के लिए आपको दोबारा से करेक्ट कर लेंगे क्या होगा वन प्लस कोस एट एक्स वाई टू बस बेटे हो गया इनका तो है ना, इसको ब्रेक कर लेना बेटे वन प्लस कोस एट एक्स बाई टू इसका भी हो जाएगा बेटे एक्स प्लस वन बाई टू एक्स बाई टू एंड कोस एट एक्स का बेटे साइन एट एक्स बाई एट ये पीछे दो एक था सिक्सटीन होगा एंड ये पीछे दो जाएगा बेटे साइन फोर एक्स और आपका बेटे सिक्सटी फोर पड़ा हुआ, इसको आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर ये रहा। कुछ भी नहीं है बेटे कुछ भी, थोड़ी सी कैलकुलेशन की बस वैसे ही लगती है कि चार को कर लिया साइन एक्स इंटू कोस इसकी वैल्यू निकाल ली पुट कर दिया दो का चार सोलह बेटे बाहर आ गया, इसको मैंने घोल लगा दिया मैंने कोस आर स्क्वायर टू स्केयर घोल लिया स्केयर घोल और बेटे इसका फिर से स्केयर बन गया, इसको फिर ब्रेक कर लिया लीनियर बना लिया फिर हो गया हो गया बस। नेक्स्ट प्राइस देखिए बेटे होगी नेक्स्ट प्राइस चेक करते हैं ठीक है दोस्तों। अब की बार बेटे मैंने ना पावर सेम ले ली थी इवन में दिमाग में आपका आया तो हल करिए तो आप गलती कर लेगा नहीं होना क्या ले अभी करो तो इनको अभी लो ना पावर सारा कुछ क्या बात है ये भी ले लेंगे अभी आप इनको बैठे ऐसे ही में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ऐसे ही खिला दें कोई टेंशन थोड़ी ना बस तो ये खास बात है। अभी इनको मैं कर लूँगा इस दार वाला खेल आपने इसको पहले बना लो फॉर्मेशन के अंदर तब जाकर आपकी चीजें बनेंगी साइन एक्स इनटू कोस क्या हो जाएगा साइन टू एक्स बाई टू ओके यस बिल्कुल सेक्शन तो आपका बाहर है साइन स्क्वायर का स्क्वायर मैं कर लूंगा इसको मैं साइन स्क्वायर टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बट आप इसको भी ब्रेक कर लें कोस स्क्वायर को ब्रेक कर लें दस वाला मतलब आ गया ना ना आप मान प्लस कोस टू एक्स ये बात की खास बात है खास बात है सही है वो तो क्या बात है तो वही वन साइंस के क्या होगा वन माइनस कोस फोर एक्स बाई टू बिल्कुल ठीक है क्या बात क्या बात है। तो इसके बाद कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं कैसे होते हैं इसको ओपन कर लेंगे करो ओपन इसको टू का फोर फोर का फोर इंटू टू एट ऐसे बात है एक प्लस कोस के फोर एक्स माइनस के टू ए बी
इंटर में पढ़ा होगा आपके पास 1 प्लस cos 2x इंटीरियर टेबल आई होगी ना इतना करो इंटीरियर टेबल कितना आएगा बताओ काफी लेंथी एंड बड़ा क्वेश्चन हो गया ये तो घबराने का कोई नहीं है चेक करते हैं बेटे कैसे करेंगे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर करो 1 cos square 4x इसको तो बेटा पहले ही कर लेंगे ना बोल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मान दे ये भी आंसर आएगा इसके साथ क्या हासिल हो गया यहां पे टाइम टू लाइक करने पे ये cos 2x की इसके साथ v cos square 4x into cos 2x और यहां पे 2 cos 4x एंड इनटू cos 2x ये चीज आप देख लो मेरे ख्याल में इसका हो जाएगा इसका हम बदल लेंगे इसको कैसे बदलेंगे 1 प्लस cos 8x 2 होगा इस क्वेश्चन का भी ये क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको बदले cos के फॉर x क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 8x 2 हो जाएगा cos 2x बार बढ़ाइए आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x 2 इनके अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा cos 8x * cos 2x 2 बड़े से लगा देना cos a cos b का फार्मूला 2 cos a cos b लगा देना 2 cos a cos b क्या होगा cos a plus b plus cos a minus b इसका भी हो जाएगा यहां भी कि आपको क्या करना है 2 cos a cos b का लगा दो 2 cos a cos b क्या होता है cos a plus b plus cos a minus b बस बेटे हो तो जाएगा होने लायक है sin 6 sin 6 sin 2x 2 बस सही है ठीक है इसको देख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ये कुछ भी नहीं है यहां से देखो ना एक्स को मैंने बोला स्केलिंग बहुत ही मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी ये चीज है किसका नहीं हो पाया मेरा किसका नहीं हो पाया इसका नहीं हो पाया इसको मैंने ऐसे लिख लिया इसको मैंने ऐसे लिखा इस वाले को इस ऐसे में फिर बाद भाग के मल्टीप्लाई कर दी इस पे 2 cos a cos b लगा दिया बस सॉल्व लो अच्छे से बेटा नहीं मैं कुछ भी कल को सॉल्व कर लेना आपके लिए बेटा एक वैरायटी और हम लेके आए हैं कि चेक करते हैं कैसे करेंगे वैरायटी वो हम इस टाइप के फॉर्मेट में रन करेंगे सेक एन एक्स ओ कोसेक एन एक्स तो मां का इक्वेशन बना जाता है इसका मतलब सेकंड में कुछ भी पावर दे रखी है सिवाय और के बेटे याद कर लेना और पावर वाला जीरो है और पावर वाला आपका ना कुछ नहीं करना tan को t रख दे छोटा सा रूल है अगर इसकी पावर इवन है तो cos को t रख दे ठीक है और दूसरी बात क्या है इसमें खास ओड पावर वाला अभी आपको नहीं करना इस एक्सरसाइज में सेवंथ के अंक का करेंगे सेकंड क्यूब का बेटे बकायदा वहां पे क्वेश्चन है आपका सी बड़ा सा करके अंदर ही वहां पे सीखेंगे इसका ठीक है u को भी लगा देंगे वहां पे जाएंगे ठीक है ना आप इसे थोड़ा सा लिखे जैसे इसको u मान लिया इसको v मान लिया इसमें देखते हैं अरे क्या करें मैंने इसको कर लिया ब्रेक और secant square x को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 1 plus tan square x लिख सकते हैं नहीं सकते बिल्कुल लिख सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अगर secant की पावर ये है तो आप tan को t रख देंगे तो आपको लग सकते हैं नहीं क्या होगा tan को t रख दे अब कितना डायरेक्टली हो रहा secant square x dx पता लग गया मेरा रीजन कि मैंने क्यों ब्रेक किया इसको देखो मेरे को पता है इस टाइप की फॉर्म में tan को t रखूंगा और tan का डायरेक्टली secant square आएगा तो कहां से आएगा ब्रेक करना पड़ेगा ना आपको अगर यहां पे 6 होता ना बेटे तो एक बार 4 एक बार 2 कर दिया 4 हो गया बस तो t tan को तो मैंने सीधे कहा था ये होगा 1 plus t का स्क्वायर और ये आपका हो गया dt बस और यहां से t तो ये t क्यूब बाय 2 t को रिप्लेस कर देंगे आप किससे रिप्लेस कर देंगे tan से आपका आंसर भी रेडी हो जाएगा ओके बात है चलो कोसिकेंट का बना देते हैं आप लोग कोसिकेंट 6 का बना देते हैं बता आपके रिश्ते से इसको भाई करेंगे इसको हम क्योंकि आपको पता है कोट का
डेरिवेटिव में कोसेकेंट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 * कोसेकेंट का स्क्वायर मैंने इसको ले लिया, उसके बाद है तो मैंने रख दिया कोर को रूल है, इसका डेरिवेटिव है कोसेकेंट स्क्वायर x * dx = 0 बटे माइनस आपका इधर लग जाएगा, सही बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है, ये लग गया माइनस इधर, ओके। बट इसको भी ब्रेक करो, आपको कोर्स तो म्यूजिक ही नहीं आया, कोर तो भी बनाएंगे ना, बनाएंगे इसको, मैं सिखता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर का स्क्वायर, सही है ना, ये है जी। मतलब कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, सही बात है, इनटू ये है जी। अभी मैंने आपका सारा सामान पढ़ के रेडी हो गया, ये तो माइनस डी के बराबर है, तो माइनस और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ये टी होती है ना, तो ये टी का स्क्वायर का स्क्वायर है, बता बता यार एल स्क्वायर आ गया, इसको एक्सपेंड करें टी टी की पावर 5/5 एंड 2 टी की पावर 3/8, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन से बता दिए, एक्सरसाइज आपकी ऑलमोस्ट डन हो गई है, एक्सरसाइज के अंदर कुछ एक वैरायटी बचती है वो भी हम देते हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ बेटर थोड़ा सा कैलकुलेशन तक थी बस कुछ एक क्वेश्चन, और कोई भी सेक्शन में आपकी दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसको ट्राई कर लेना अच्छे से बस।